सात सेकंड का ये वीडियो पूरे देश को चुभना चाहिए। वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया। इस वीडियो पर पूरे देश को गुस्सा आना चाहिए। चोरी का माल तृणमूल का घर पे था और जब देखा सुविधा नहीं है तो माल को निकाल दिया बाहर। सात सेकंड के इस वीडियो में एक गुंडे की ठसक है। हमारा पुलिस जो काम करना था तो कर दिया, लेकिन सीबीआई ईडी उनका जो करना है अब तो करके दिखाइए। इस वीडियो में शेख की मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा वाली अकड़ है। संदेश काली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने। इस वीडियो में तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ वाला गुरूर है। उसको ममता बनर्जी बचा के रखे इसलिए कि वो मुसलमान था, मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। वरना 55 दिन बाद गिरफ्तार हुए जिस गुंडे को सिर झुकाकर चलना चाहिए था, वो अकड़ के साथ सीना तान कर चल रहा है। गिरफ्तारी के बाद जिस शाहजहां शेख के पैर कांपने चाहिए थे, वो पूरी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन दिखा रहा है। जिस गुंडे को नजरें झुकाकर चलना चाहिए था, वो शान से मीडिया के सामने रैंप वॉक कर रहा है। वहीं संदेश खाली की महिलाएं शाहजहां शेख की गिरफ्तारी से खुश होकर जश्न मना रही हैं। महिलाओं को लग रहा है कि शाहजहां शेख को उसकी काली करतूतों की सख्त सजा मिल जाएगी, लेकिन शाहजहां शेख की अकड़ देखकर ये कह पाना मुश्किल है। अब सवाल है कि गुंडे और सीरियल बलात्कार के आरोपी की अकड़ के पीछे कौन है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को तुरंत कैसे गिरफ्तार कर लिया? क्या शेख की गिरफ्तारी पूरी तरह से स्क्रिप्टेड ड्रामा है? क्या शेख की गिरफ्तारी उसे ईडी और सीबीआई से बचाने के लिए हुई है? क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस के अलावा सीबीआई और ईडी भी गिरफ्तार कर सकती है। सवाल ये भी है कि बंगाल पुलिस ने अगर शाहजहां शेख को ईडी हमले के मामले में गिरफ्तार किया तो उसे ईडी को सौंपने की बजाय खुद रिमांड पर क्यों लिया? तो क्या शाहजहां शेख की कुटिल मुस्कान के पीछे यही राज है? क्या इसीलिए एक भूमाफिया, महिलाओं से यौन हिंसा का आरोपी और एक गुंडा मुस्कुराते हुए ईडी सीबीआई को मुंह चिढ़ा रहा है क्योंकि उसे भरोसा है कि वो ईडी के हाथों से दूर हो गया है? क्योंकि शाहजहां शेख पर दर्जनों केस हैं और बंगाल पुलिस हर एक मामले में कोर्ट से उसके रिमांड मांग सकती है, और जब तक शेख पुलिस के रिमांड पर रहेगा तब तक सीबीआई या ईडी उसे हाथ तक नहीं लगा सकती। और पुलिस रिमांड में शेख की हालत कैसी होगी इसका अंदाजा इस 7 सेकंड के वीडियो में आसानी से लगाया जा सकता है, जहां ऐसा लग रहा है कि पुलिस एक नेता को सुरक्षा दे रही है। इसलिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। अर्जी में ईडी ने कहा है शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचार के मामलों में अहम दस्तावेज या तो नष्ट किए जा सकते हैं या उनमें गड़बड़ी की जा सकती है, इसलिए चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच जल्द ईडी का पक्ष सुने। ईडी ने कहा है कि राशन घोटाला केस में शाहजहां शेख से पूछताछ जरूरी है, इसीलिए बीजेपी ने आरोप लगाया है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी संदेश खाली में उसके अपराध छिपाने के लिए और सबूत मिटाने के लिए हुई है। शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था और अब उसे दोबारा हिफाजत देने के लिए, ताकि
वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। ये मैं मेहमान नवाजी शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, यदि आप लोगों ने तथा कथित गिरफ्तारी के समय उसकी भाव भंगिमा देखी हो, उसके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज देखी हो और पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज देखी हो, क्या आपको लगता है कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की वो किसी गुनहगार की थी? तृणमूल ने बहुत बहादुरी दिखा रहा है। एक्चुअली चोरी का माल तृणमूल का घर में था, जब देखा फेस सेविंग का और कोई रास्ता नहीं है, निर्वाचन भी सामने है, इसीलिए शेख शाहजहां को उन्होंने गिरफ्तार दिखाया। मतलब चोरी का माल तृणमूल का घर पे था और जब देखा सुविधा नहीं है तो माल को निकाल दिया बाहर में। नाउ सम पीपल आर विस्परिंग अबाउट सीबीआई एंड सीबीआई, व्हाई इज एवरीवन सो डिसअपॉइंटेड इन दिल्ली? Some people are telling me from the morning they haven't been drinking water at the headquarters in BJP headquarters in Delhi. Why CBI now? Because the agencies, their allies, have made a complete hodgepodge of this. The story is this. अब आपको बताते हैं कि कई नेताओं के इस लाडले शेख की गिरफ्तारी कहां से हुई? कोलकाता हाईकोर्ट ने 26 फरवरी को ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि पुलिस, ईडी या सीबीआई शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सकती है। इसके तुरंत बाद बंगाल पुलिस ने आश्चर्यजनक ढंग से 55 दिनों से छिपे शाहजहां शेख को ढूंढ निकाला। शाहजहां शेख संदेश खाली के पास ही मीना खान इलाके में एक मछली फार्म हाउस के गेस्ट हाउस में छिपा था। बंगाल पुलिस ने उसे 5 जनवरी को हुए ईडी टीम पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया है और कोर्ट ने उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया, लेकिन टीएमसी ने शाहजहां शेख पर यह कार्रवाई ईडी टीम पर हमले को लेकर की है। दर्जनों महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के आरोप पर या फिर हत्या के मामलों में ये अभी तक साफ नहीं है। शाहजहां शेख के खिलाफ 40 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं। शाहजहां शेख ईडी की टीम पर हमले का प्रमुख आरोपी है। शाहजहां शेख महिलाओं से यौन उत्पीड़न का आरोपी है। शाहजहां शेख दर्जनों लोगों की जमीनें हड़पने का आरोपी है। शाहजहां शेख राशन घोटाले का आरोपी है। शाहजहां शेख 3 लोगों की हत्या का प्रमुख आरोपी है। इसीलिए सवाल ये है कि बंगाल पुलिस ने 40 से ज्यादा एफआईआर के बावजूद शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए 55 दिन का इंतजार क्यों किया? संदेश खाली की महिलाएं भले शेख की गिरफ्तारी पर जश्न मना रही हैं, लेकिन क्या बंगाल पुलिस उन्हें इंसाफ दिला पाएगी? क्योंकि टीएमसी खुलकर महिलाओं को झूठा बता चुकी है और बड़े बड़े नेता कह चुके हैं कि संदेश खाली की घटना राजनीति से प्रेरित है। दूसरा सवाल ये कि शाहजहां शेख इस बात से भी निश्चिंत है कि जिस देश में वोट बैंक के लिए आतंकियों तक को मासूम बताया जाता है, वोट बैंक के लिए आतंकियों से केस वापस ले लिए जाते हैं, उस देश में वोट के लिए कई पार्टियां उसे बचाने के लिए लाइन लगा सकती हैं। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि मणिपुर में महिलाओं की सुरक्षा को मुद्दा बनाकर संसद हिला देने वाली पार्टियां संदेश खाली के मुद्दे पर अब तक कुछ नहीं बोल पाई।